खरगोन जिले के सेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम अचलवाड़ी में 6 जनवरी को बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा का शव गांव के एक टमाटर के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस मामले में शनिवार को एक नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या की आशंका जताते हुए एसपी से उसके कॉल डिटेल की जांच सहित उसके संपर्क में जुड़े लोगों से पूछताछ की मांग की है। परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे माता पिता ने शिकायती आवेदन सौंपकर एसपी को बताया कि उनकी बेटी की मौत के मामले में पुलिस की जांच से वे संतुष्ट नहीं है। करीब 15 दिन बाद भी अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाया है, जबकि उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी का प्रेम प्रसंग में यौन शोषण कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गई है, न कि बेटी ने खुद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। उन्हें आशंका है कि बेटी की हत्या की गई है, इसलिए पुलिस बारीकी से मामले की जांच करे। बेटी के कॉलेज सहित गाँव वापस आने जाने के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज सहित मोबाइल की कॉल डिटेल की जाँच की जाए। पिता ने शिकायत में बताया कि उन्हें एक पत्र भी मिला है जिसकी पुलिस को जाँच करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अनीता के जो मर्डर हुआ, मर्डर हम तो मर्डर ही सोच रहे हैं, उस बारे में हम यहाँ आए और हमको वहाँ से पुलिस से कोई न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम एसपी साहब को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए और चाहते हैं कि उन आरोपियों को पकड़कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और उन्हें फांसी दी जाए। क्या नाम है आपका? छतर सिंह डावर। हमारे बहन कॉलेज गए थे, कॉलेज जाने के बाद घर वापस नहीं आई। क्या लगता है इस मामले में आपको? उनके हत्या के कौन लोग हैं? बहन। क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहता। क्या नाम लिखते हैं? हमारा रेखा। से आए हैं हमारे यहाँ की लड़की अनिता, जो कॉलेज आई थी, कॉलेज से वापस घर नहीं गई, उसकी हत्या हुई है जिसकी अभी तक तो कोई जांच नहीं हुई है। हम सभी ग्रामवासी अनिता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमको गुमराह कर रही है। क्या मामला क्या था? हत्या हुई है उसकी। क्या नाम है आपका? मोहन किराड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।